यह परमहंसों की कथा है। पहले विरक्त फिर गृहस्थ फिर विरक्त। देखो हमारे यहाँ चार आश्रमों की वर्ण व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कितने आश्रम हैं? ये हिंदुओं के यहाँ है, ये भारत में ही है, ये सनातनियों के यहाँ है। सच बताओ इन चार आश्रमों की व्यवस्था से कौन सा हिंदू गुजर रहा है? बोलो क्या जो चार आश्रम वर्ण व्यवस्था से न गुजरे क्या उसे हिंदू माना जाए? पहले ब्रह्मचारी हिंदू होता है तब उसे हिंदू कहते हैं, पर सद गृहस्थ बन करके आतिथ्य सत्कार करता है तब उसे हिंदू कहते हैं, फिर वानप्रस्थ लेता है जंगल में रहता है फिर उसे हिंदू कहते हैं, सत मार्ग का निर्माण करके ईश्वर को प्राप्त करता है उसे सच्चा हिंदू कहते हैं, बाकी के तो लोगों को मारा एक पहचान कहते हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है या नहीं? हिंदू वही होता है जो अपने माँ बाप बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, और जो हिंदू अपने माँ बाप को घर से निकालता हो उसे हिंदू नहीं कहा जाए, उसे काफिर मुसलमान कहा जाता है। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को, क्या ऐसे व्यक्ति को हिंदू माना जाए? शेर सिंह नाम रखने से शेर सिंह नहीं बन जाते महाराज। शेर के लिए तो शेर जैसा साहस चाहिए, शेर जैसा जुनून चाहिए। शेर कभी मरा हुआ गोश्त नहीं खाता, जो शेर होगा और मरा हुआ शेर का जो गोश्त मांस खाता है वह शेर नहीं होता है, वह कौवा होता है। कौन होता है? शेर अपना शिकार खुद करता है, सुना होगा ना आपने। आज भी जो बढ़िया शेर होगा उसके लिए वहां पर जो भी शिकार होता है जिंदा ही डाला जाता है, मार के नहीं, जिंदा बोलो भगाता है, भगता है, फिर पकड़ता है, फिर शिकार करता है, फिर खाता है। शेर की पहचान यही है। प्रेम से कहिए जय सियाराम। ठीक है, भारत का हर नागरिक दुष्यंत का और शकुंतला का बेटा भरत नहीं हो सकता। भरत सिंह, भारत सिंह नाम रखने से शेर के बच्चों से नहीं खेल पाओगे। भारत वही है, भारत वही बनता है जो शेर के बच्चों से खेला करता है। पर आजकल तो महाराज पिल्लों से ही डर लगता है, तो भाई से भरत सिंह और शेर सिंह इनका तो नाम महाराज डरपोक सिंह रख दिया जाए। क्यों? मैंने बोला ना मेरी बात कड़वी लगती है जब मैं अपनों को कहता हूँ, गैरों को कम कहता हूँ, है ना। लोग दूसरों को कहते हैं, हम अपने को कहते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जयचंद कौन था बताओ, जवाब दो, कौन था जयचंद? हिंदू था कि मुसलमान? मानसिंह कौन था? हिस्ट्री पढ़ोगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जोधाबाई किसकी बहन थी बताओ, किसकी बहन थी? सोमनाथ का वाक्या बताता हूँ त्रिपुंडधारियों को, ऊर्ध्वपुंडधारियों को। जब सोमनाथ के मंदिर पर गौरी ने आक्रमण किया था, वहां पर 3000 पंडित जी लोग थे, पूजा करने वाले लोग, जल चढ़ाने वाले लोग थे, और वह मात्र 3000 ज्यादा होते हैं कि 300 ज्यादा होते हैं बताओ जरा। अगर एक एक पत्थर मारते बोलो कोई बचता वहां? सोमनाथ का मंदिर लूट ले गए और वह पुजारी हाथ पर हाथ रखे रह गए। ऐसे ही हिंदू कहते हैं क्या? बताओ। हमें नाम से हिंदू नहीं, हमें काम से हिंदू बनना है। हमें वीर शिवाजी की तरह हिंदू बनना है। हमारे देश में गौ हत्या होती है, गौ कसी होती है, गाय की सेवा नहीं होती है। पर कहते वीर शिवाजी एक बार बाजार से निकले, गाय का मांस बिक रहा था, शिवाजी ने निकाल करके तलवार उस मुसलमान की गर्दन को काट दिया। वो मराठा था, वो हिंदू था, और जब काट दिया गया
राजा के सामने खड़ा किया गया, हे हिंदू बालक तूने मुसलमान को मारा। बोले हाँ मारा है। क्यों मारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माँ को कोई मार कर उसका मांस बाजार में बेचे तो आप क्या करते? बोले मैं उसका सर गरम कर देता। तो शिवाजी बोला वही मैंने किया। कोई ऐसा हिंदू है कि मुसलमान गाय की हत्या करे उसका सर कलम कर दे? कोई कसाई गाय को मारे कोई ऐसा हिंदू है जो उसका सर कलम कर दे? कोई नहीं होगा महाराज, कोई नहीं होगा। हम तभी तो कह रहे हैं हमारे अंदर हिंदुत्व मर चुका है और मर गया ही अच्छा। अब हिंदुत्व नहीं है, अब तो नाम के हम पकौड़े सिंह बन गए हैं। बस आप तो नफा सिंह है, नफा सिंह समझते हो? जहां नफा वही दफा, नफा नहीं तो कोई दफा नहीं, आप तो नफे सिंह हैं। प्रेम से कहिए जय सियाराम।